स्कूटर ऑफ द ईयर की बैजिंग देख सकते हो। इस गाड़ी को स्कूटर ऑफ द ईयर क्यों मिला है वो, तो अगर आप एक स्पोर्टी स्कूटर चाहते हो तो आपको एंटॉर्क बढ़िया चॉइस रहने वाली है। वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ, ये देखो ये जो लीवर है ना, लीवर और एक्सीलेटर के बीच में बहुत ही कम गैप है, तो जिनके हाथ बहुत ही छोटे हैं या अगर अपन फीमेल राइडर्स की बात करें और डेली अगर आप अप डाउन के पर्पज से भी कंसिडर करना चाहते हो, बिकॉज देखो 110cc के सेगमेंट से कहीं ना कहीं 125cc के जो इंजन है वो ज़्यादा। हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है। जुपिटर 125 को हम राइड करने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ इन द ईयर 2022 आपको इस स्कूटर को परचेस करना चाहिए कि नहीं। पिछली मैंने एक डिटेल रिव्यू वीडियो बनाई थी, बट आज हम इसे कॉम्पिटिटर से कंपेयर करेंगे, लाइक एक्टिवा, ग्राजिया, मेस्ट्रो, फसिनो, जो 125cc के सेगमेंट में आती है, सबसे कंपेयर करेंगे एंड आपके लिए राइट चॉइस रहने वाली कि नहीं सारी बातें करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों चलते हैं अभी स्कूटर को राइड करने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, स्कूटर ऑफ द ईयर की बैजिंग देख सकते हो। इस गाड़ी को स्कूटर ऑफ द ईयर क्यों मिला है वो सारी बातें करेंगे। बेस्ट डील्स के लिए आप डोडिया TVS को कांटेक्ट कर सकते हो, जिन्होंने मुझे ये स्कूटर प्रोवाइड करी है। तो शुड यू बाय सीरीज देखा होगा आपने, बहुत से लोगों को इजी रहता है हमें कौन सी गाड़ी लेना चाहिए कौन सी नहीं, सारी चीजों की बात करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं। अब वन पुश स्टार्ट है यार, मतलब पता ही नहीं लगता है यहाँ पर, जैसे ही स्कूटर स्टार्ट हो जाती है ना यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। इन टर्निंग रेडियस देख सकते हो, मुझे पैर टिकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, स्पेशली टर्निंग रेडियस सिटी में तो बहुत ही काम का रहता है। इनिशियल पिकअप अभी वैसे मैंने पूरा थ्रॉटल नहीं दिया है, इजीली 40 की स्पीड गेन कर ली। स्टार्ट करते हैं अब इसके इनिशियल पिकअप से। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 124.8cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 8.15 PS की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 10.5 Nm का टॉर्क। अब पावर फिगर सफिशियंट है, बट अगर आप एक स्पोर्टी स्कूटर चाह रहे हो जिसमें आपको बहुत ही अच्छा इनिशियल मिले, जल्दी से पावर जनरेट कर ले, तो यार TVS ही आपको एंटॉर्क ऑप्शन प्रोवाइड करती है। मैं पर्सनली BS4 एंटॉर्क ओन करता हूँ, जिसकी पावर की तो यार मेरे को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक स्पोर्टी स्कूटर चाहते हो तो आपको एंटॉर्क बढ़िया चॉइस रहने वाली है, वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता रहा हूँ। बट जुपिटर 125 किसके लिए बढ़िया है, किसे इस गाड़ी को लेना चाहिए वो हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्रेकिंग टेस्ट करते हैं। ब्रेकिंग बढ़िया है, मतलब इसमें आपको तीन वेरिएंट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। बेसिक वेरिएंट जो है वो आपको ड्रम मिलता है, जो कि आपको स्टील व्हील रिम्स के साथ आएगा, 82,000 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस। मिड वेरिएंट आता है 85,000 रुपीज़ का, जो कि आपको एलॉयस के साथ आएगा बट ड्रम वेरिएंट रहेगा। एंड ये टॉप वेरिएंट है, जो कि आपको एलॉयस के साथ डिस्क वेरिएंट प्रोवाइड करा गया है। तो टोटल 89,000 रुपीज़ का ये पड़ता है एक्स शोरूम, तो 7,000 रुपीज़ का डिफरेंस मिलने वाला है बेसिक वेरिएंट से टॉप वेरिएंट तक। बाकी आपके जो फीचर्स है वो ओवरऑल सेम ही रहने वाले हैं। इस टॉप वेरिएंट में आपने देखा होगा फ्रंट में आपको LED DRLs मिल जाती है, तो ऐसे कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस है जो आपको अपर वेरिएंट में मिलेंगे। अभी ये कलर तो यार बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है, स्पेशली कोई फीमेल बायर से तो यार आप इस कलर को कंसिडर कर सकते हो। एक चीज़ अभी मुझे राइड करते टाइम फील हुई, जो कि मतलब स्पेशली स्कूटी सेगमेंट में बहुत से लोग देखना चाहते हैं या फिर उनको डाउट रहता है, ये देखो ये जो लीवर है ना, लीवर और एक्सीलेटर के बीच में बहुत ही कम गैप है, तो जिनके हाथ बहुत ही छोटे हैं या अगर अपन फीमेल राइडर्स की बात करें, जो थोड़े शॉर्ट राइडर्स हैं ना, वो इस गाड़ी को ईजिली राइड कर सकते हैं। अब उसके दो तीन प्लस पॉइंट मैं बताना चाहूँगा। एक तो गाड़ी है 108 किलो की, 108 किलो मतलब यार हल्की होती है। दूसरी चीज़ पूरी मेटल बॉडी है, तो बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हल्की गाड़ी है तो बिल्ड क्वालिटी में कुछ ऐसी कमी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। इसकी जो सीट हाइट है वो है 765mm की, 765 मतलब जो एवरेज राइडर्स है 5'2", 5'3" से 5'5" तक भी इसको ईजिली चला सकते हैं। एंड ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाता है 163mm का, तो ऐसा आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी अगर मैं इसको कॉर्नरिंग ऐसे लीन करने की कोशिश करूँ ना, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा। अब देखो एंटॉर तो नेक्स्ट लेवल स्कूटर हो गया, अब उसकी प्राइसिंग भी उतनी है। अब इसके अगर टायर्स की बात करें तो फ्रंट एज वेल एज रियर में आपको 90 सेक्शन टायर्स मिल जाते हैं, तो 90 सेक्शन के कारण आपको ये जो इसे लीन करते हो या सडनली आप हाई स्पीड में इसे कॉर्नरिंग करते हो, जैसे कि अभी आगे कट आ रहा है, तो वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील नहीं होने वाला है।
अब बहुत से लोग इसको कंपेयर करते हैं एक्टिवा 125, ग्राजिया, मेस्ट्रो 125, फसिनो, और इसी की फैमिली से आने वाली एंटॉर्क। तो देखो यार, मैं बोल रहा हूँ एंटॉर्क को तो अलग रख दो, एक्सिस 125 को भी अलग रख दो, बिकॉज एक्सिस में आपको पावर ज़रूर मिलेगी बट आपको कहीं ना कहीं माइलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बिकॉज एक्सिस का मैंने खुद ने पर्सनली माइलेज टेस्ट करा था, मुझे अराउंड 43 का माइलेज आया था, हालांकि वो नई गाड़ी थी। इसके अगर माइलेज की बात करें तो आपको आराम से 55 तक का माइलेज तो देने ही वाली है अगर आप इकोनॉमी 60-70 की स्पीड पर चलाते हो। तो माइलेज से रिलेटेड आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। पावर तो बढ़िया है, मतलब मैं एकदम ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा बट जो सफिशियंट चाहिए ना, इजीली 60-80 गेन कर लेती है स्पीड। एंड साइड व्यू मिरर्स की बात करें तो मुझे व्यू काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर मिल जाते हैं ना, तो उसके कारण क्या, अगर आप इमीडिएट आगे का ब्रेक ऐसे दबाते हो ना, वो वाला सीन नहीं कि यार टायर ऐसे घूमते हुए स्कीड वीड खा जाए। इसकी ब्रेकिंग आपको नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देगी। यहाँ से हम यू टर्न ले लेते हैं आगे से। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर आपको सारी चीज़ों के साथ मिल जाता है। यहाँ तो एनालॉग स्पीड शो कर रहा है बट यहाँ पर आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी भी दिखा देता है। लाइक अभी मैं जिस हिसाब से चला रहा हूँ ना, उस टाइप में देखो 57 तक शो कर रही है। इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी काम का फीचर है। आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो तो कार जैसा आप इसमें देख सकते हो कि आपको कितना माइलेज मिलने वाला है। ओवरऑल आपको ये बहुत ही बढ़िया यूनिट मिल जाती है। लुक्स अगर आप देखोगे जुपिटर 125 के, तो आपको कहीं ना कहीं जुपिटर 110 का ही एक, मतलब बोलते ना, एक बड़ा वर्जन लगेगा, एक मस्कुलर वर्जन देखने को मिलने वाला है। और डेली अगर आप अप डाउन के पर्पज़ से भी कंसीडर करना चाहते हो, बिकॉज देखो 110 सीसी के सेगमेंट से कहीं ना कहीं 125 सीसी के जो इंजन है वो ज़्यादा रिलायबल रहने वाला है। अगर आप 60-80 की स्पीड पर भी चला रहे हो ना स्कूटर को, हालांकि देखो 80-100 कोई नहीं चलाता स्कूटर को, मैं एंटॉर्क चला लूँ अलग चीज़ है, बट जुपिटर 125 की बात करें तो आप 60-70 की स्पीड भी चला रहे हो तो आपको ईजिली, मतलब हैंडल बार पर मुझे कोई भी वाइब्रेशन नहीं आ रहा है 60 तक की स्पीड में। अभी गाइस देखो बेसिक बातें तो हम कर रहे हैं बट कंक्लूजन की और भी चलेंगे कि शुड यू बाय दिस स्कूटर और नॉट। ओवरऑल तो मैंने आपके साथ स्पेसिफिकेशन शेयर कर दी है। अब शुड यू बाय दिस स्कूटर और नॉट में तो यार मैं सिंपली बोलूंगा आप आग बन करके 125 सीसी के सेगमेंट में, अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, एक ऐसी स्कूटर चाहिए जिसमें मतलब घर के सारे मेंबर्स चला सके, लाइक आपका कोई छोटा भाई है, आपकी मम्मी है, आपकी सिस्टर है, आपके पापा है, मतलब जो भी यूथ से लेके ओल्ड एज तक सारे लोग इसको चला सकते हैं। एक मल्टी यूटिलिटी व्हीकल इसे आप बोल सकते हो, बिकॉज बहुत से एडवांस फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप USB चार्जिंग पोर्ट देख सकते हो, मतलब कहीं आप लंबा 80-100 किलोमीटर जा रहे हो तो यहीं पर सिंपली फ़ोन रख लो, ईजिली चार्ज हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको यहीं पर फ्यूल टैंक मिल जाता है तो आपको उतर के फ्यूल डालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बाइक जैसा यहाँ पर सिस्टम है। अब देखो यहाँ पर फ्यूल टैंक दे दिया, वो तो एक एडिशनल फीचर हो ही गया, बट यहाँ पर फ्यूल टैंक देने के कारण एक और एडवांटेज आपको ये मिल जाता है कि बूट की जो स्पेस है वो सीधे बढ़ जाती है 33 लीटर्स की। बूट मैंने पिछली वीडियो में बताई है, अगर हुआ तो मैं इसमें भी वो सीन डाल दूंगा। बूट स्पेस है यार 33 लीटर की, मतलब आप दो हाफ फेस हेलमेट रख सकते हो। दो हाफ फेस हेलमेट नहीं रखने तो एक हेलमेट रख के अच्छी खासी स्पेस फिर भी बच जाती है। तो अगर आप एक ऐसी स्कूटर चाह रहे हो जो आपको अच्छे पावर, देखो ज़्यादा पावर नहीं बोलूँगा, एक मतलब जितनी पावर चाहिए स्कूटर के सेगमेंट में उतनी आपको, मतलब इनिशियल पावर बढ़िया है, मतलब आपको एक इकोनॉमिक पावर के साथ एक ऐसी स्कूटर चाहिए जो कि आपको बढ़िया माइलेज दे सारे एडवांस फीचर्स के साथ, तो आपके लिए जुपिटर 125 वन ऑफ द बेस्ट चॉइस रहने वाली है। कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, एंड चैनल पर इस वीडियो के थ्रू आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ।